मंडला में नक्सलियों की दहशत लगातार बढ़ते जा रही है और ऐसे में नक्सली प्रभाव को लेकर एक खत लिखा गया है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सीएम को खत लिखा है, पत्र लिखा है, बढ़ते नक्सली प्रभाव को लेकर चिंता जाहिर की है। पिछले दो महीने में 3000 कर्मचारियों के नक्सलियों ने हत्या कर दी। पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान भी सामने आया, बॉर्डर एरिया होने के कारण नक्सली गतिविधि बढ़ी है, तो मंडला में नक्सलियों की दहशत बढ़ गई है। इधर पिछले दो महीने में 3 रिजर्व कर्मचारियों की हत्या यहां पर कर दी गई है और यह पत्र सामने आया, लगातार बढ़ते नक्सली प्रभाव को लेकर पत्र लिखा गया है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सीएम को पत्र लिखा है, लगातार बढ़ती नक्सली घटनाओं को लेकर उसके प्रभाव को लेकर चिंता जाहिर की गई है। 3 स्टेटों का एक सेंटर पॉइंट जैसा है ये पूरा। ऐसे अगर उस साइड देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का हिस्सा, डिंडोरी का हिस्सा, पर ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे 3 स्टेट मिलते हैं। तो महाराष्ट्र का भी यही संवेदनशील हिस्सा है, गढ़चिरौली, चंद्रपुर वाला, हरा वाला, और ये हमारा बालाघाट जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, इससे लगा हुआ मंडला का हिस्सा है, फिर वहाँ से यही राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट, ये सीधा ऐसा घूमा है। ये जो खैरागढ़ है ये पूरा राजनांदगांव में आता है, तो इससे लगा हुआ हिस्सा है। तो ये कठिनाई है और इसके लिए मैंने सरकार को भी कहा। तो बॉर्डर एरिया होने के कारण नक्सली गतिविधि बढ़ी है, यह बात फग्गन सिंह कुलस्ते ने कही है। हालांकि पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान भी सामने आ गया है, मंडला में नक्सलियों की दहशत बढ़ गई है, इसको लेकर चिंता जाहिर की गई है, पत्र लिखा गया है। और फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस बात में कहा कि बॉर्डर एरिया है और इसके चलते यहाँ पर गतिविधि बढ़ी है और नक्सलियों का प्रभाव लगातार बढ़ा है, इसको लेकर पत्र भी लिखा गया है। पत्र में चिंता जाहिर की गई है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सीएम को खत लिखा है, पत्र लिखा है, बढ़ते नक्सली प्रभाव को लेकर चिंता जाहिर की गई है, लोगों की जान की सुरक्षा को लेकर भी इसमें जिक्र किया गया है। दो महीने में 3 रिजर्व कर्मचारियों की हत्या की बात इसमें शामिल की गई है, लगातार बढ़ते नक्सली प्रभाव को लेकर खत लिखा गया। फग्गन सिंह कुलस्ते का बड़ा बयान इसमें सामने आया कि बॉर्डर एरिया होने के कारण यहाँ पर गतिविधि बढ़ी है और ऐसे में इस पर चिंता भी जाहिर की गई है। दरअसल पिछले दो महीने में 3 रिजर्व कर्मचारियों की हत्या का मामला भी सामने आया था, उसके बाद नक्सलियों की दहशत मंडला में बढ़ गई, इस पर अब सियासत और इस पर अब पत्र लिख दिया गया है, फिलहाल चिंता जाहिर कर दी गई है। और राजधानी भोपाल चलेंगे, स्वर्गीय शब्बीर अहमद से समझेंगे, बात करेंगे। शब्बीर, मंडला क्षेत्र में नक्सली गतिविधि होने की आशंका पत्र में जाहिर की गई है, चिंता जाहिर की गई है, क्या कुछ तस्वीर आने वाले वक्त में इस पत्र के माध्यम से संदेश देने की कोशिश, क्या कुछ असर होगा? शब्बीर अहमद, देखिए शुभम, कई तरह के हम लोगों की चिंताएं बढ़ गई है मध्य प्रदेश वासियों की, और अलर्ट रहने की भी जरूरत है, क्योंकि कान्हा रिजर्व पार्क की बात की जा रही है, वो काफी टूरिज्म वाला इलाका है, पर्यटन वाला इलाका है, लेकिन जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो पत्र लिखा है वो कई तरह की चिंताएं बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये पत्र लिखा गया है और ये कहा गया है कि कुछ दिन पहले जो वहां पर कर्मचारी की 25 दिवसीय कर्मचारी की मौत हुई है, उस मौत में ये चीजें निकल कर सामने आई है कि बुलेट से यानी गोली मारकर कर्मचारी की हत्या की गई है। इसके अलावा वहां पर नक्सली पर्चे भी मिले हैं, यानी ये साफ हो रहा है कि जो हत्या की गई थी वो नक्सलियों ने ही करी थी। और इसी के बाद उन जो पत्र लिखा गया उसमें ये कहा गया है कि सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने होंगे, तभी इस तरह के प्रभाव रुकेगा। मध्य प्रदेश की बात कराए तो मध्य प्रदेश के जो सटे हुए राज्य हैं, जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं या महाराष्ट्र की बात करूं, तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में ये जरूर रहता है कि नक्सलियों का काफी प्रभाव है, और छत्तीसगढ़ में तो हम सबको पता है कि कई जिलों में वहां पर नक्सलियों का प्रभाव है। हो ये रहा है कि जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के इलाके सटे हुए हैं, मंडला, बालाघाट या डिंडोरी के, तो वहां से जंगल के जरिए वो इधर की तरफ आ रहे हैं और टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं शुभम, वो काफी चिंता वाले बात है कि करीब 50% से ज्यादा कान्हा टाइगर रिजर्व के इलाके पर कब्जा कर लिया गया है नक्सलियों द्वारा, और उसको लेकर जल्द कोई ना कोई कदम उठाए जाएंगे। सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि नक्सलियों को खत्म किया जाए, जो डिंडोरी हो, बालाघाट हो या मंडला की बात की जाए। तो इससे पहले की बात करें शुभम, तो डिंडोरी और बालाघाट तक के ही मंडला और बालाघाट तक की ही
दो इलाकों में ही, दो जिलों में ही नक्सली सक्रिय थे, लेकिन उसके अंदर एक जिला और जोड़ा गया था एक साल पहले डिंडोरी को, यानी मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 3 जिलों में नक्सलियों का असर है, यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार मानती है। और इसी के कारण वहां पर सरकार की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है कि वहां के लोकल लोगों को ही एक टीम गठित की जाए, एक पुलिस फोर्स बनाई जाए, जिसके जरिए वहां पर युवाओं को रोजगार भी मिले, बेरोजगारी भी दूर हो, और जो नक्सली जिस तरीके से भड़काते हैं बेरोजगार युवकों को, उससे बचाया जा सके, एक फोर्स बनाने की भी तैयारी की जा रही है। लेकिन उन सबके बीच जो लेटर सामने आया है, 2 महीने के अंदर 3 वहां पर कर्मचारियों की हत्या कर दी गई है, ये कई तरह की चिंताएं शुभम हमारी बढ़ा रहा है। इसके अलावा ये भी चीजें निकलकर सामने आ रही है, हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कान्हा टाइगर रिजर्व के जो कर्मचारी हैं वो रात में, यानी जैसे ही सूरज ढलता है उसके बाद ड्यूटी करने से बचते हैं, यानी उस इलाके में जाने से बचते हैं, डरते हैं जहां पर नक्सलियों का काफी प्रभाव है। तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाना होगा, ठीक है, नहीं तो हमने छत्तीसगढ़ का भी देख रहे हैं उदाहरण है हमारे पास, और महाराष्ट्र भी हमारे पास उदाहरण है। शुभम, ठीक।